हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियांशुकलवर और आप देख रहे हैं पीजीएक्स पे। जस्टिस लीग मूवी आने वाली है और उसके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, वरना मूवी देखते समय यही बात होगी, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। तो आज बहुत दिनों बाद डीसी कैरेक्टर्स की बात हो रही है, तो किसी भी एक कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी हम पूछ लेते हैं। किसकी? फ्लैश की। चलिए फ्लैश की आज ओरिजिन स्टोरी हम देख लेते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। And count. Clap. इसकी ओरिजिन कुछ इस तरीके से है, मार्वल की तरह डीसी के भी कई सारे मल्टी यूनिवर्स हैं। एक तरीके से इसे कह लिया जाए, इट्स जस्ट लाइक अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो कई बाकी सब कॉमिक बुक कैरेक्टर्स की तरह इस कॉमिक बुक कैरेक्टर के भी कई सारे ओरिजिन्स हैं। तो लेकिन इस कॉमिक बुक कैरेक्टर में यही खासियत है कि ये सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल ओरिजिन्स है, वरना बाकी सब तो मेरे हिसाब से बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। आपको इजी वे में समझाया हूँ कैसे भी करके। देखिए, आपको समझ में तो कोई दिक्कत आने नहीं चाहिए। टॉपिक से ना भटकते हुए वापस हम अपने पॉइंट पे आते हैं। जब फ्लैश की इतने सारे ओरिजिन स्टोरीज हैं, तब शुरुआत करते हैं गोल्डन एज फ्लैश से। फ्लैश की सबसे पहले कॉमिक 1940s फ्लैश कॉमिक्स नंबर 1 नाम से रिलीज हुई थी। इस कॉमिक को बाकी सारी कॉमिक्स का गोल्डन एज इसलिए कहा जाता था क्योंकि इस कॉमिक ने सबसे पहले फ्लैश को इंट्रोड्यूस किया था। इस कॉमिक के फ्लैश के कैरेक्टर का नाम जे गैरिक है। जे गैरिक एक मिड वेस्टर्न यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है जो उसी के होम टाउन कीस्टोन में है। इस गोल्डन एज फ्लैश यानी जे गैरिक को हैरी लैम्पर्ट और गार्डनर फॉक्स ने डिस्कवर किया था। गैरिक को अपनी स्कूल फुटबॉल टीम से इसलिए निकाल दिया जाता है क्योंकि वो फुटबॉल बहुत खराब खेलता है। इसके अलावा वो अपनी स्टडीज में बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रहता है, एज वेल एज ही इज एन एक्सपर्ट इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। गैरिक ज़्यादातर हार्ड वाटर पे उनके एलिमेंट्स को अलग करने पे एक्सपेरिमेंट करता है। किसी रोज़ एक रात को अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट करते समय गैरिक से हार्ड वाटर और बाकी सारी केमिकल्स गिर जाते हैं और बाकी सारी केमिकल्स के रिएक्शन से जो ब्लास्ट और डेंजरस गैस निकलती हैं उससे वो बेहोश हो जाता है। फिर उसी की यूनिवर्सिटी के किसी एम्प्लॉय के थ्रू उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। फिर जब गैरिक को कई हफ्तों के बाद होश आता है तो उसे अपने डॉक्टर से पता चलता है कि उसके बॉडी ने अपनी भूख यानी अपनी एपेटाइट बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना ली है और उसके शरीर का मेटाबॉलिज्म बहुत ही फास्ट हो गया बाकी ह्यूमंस के मुकाबले। फिर गैरिक का डॉक्टर उसे बताता है कि शायद हार्ड वाटर ने उसे दुनिया का सबसे फास्ट ह्यूमन बना दिया है और उसके रिफ्लेक्सेस किसी भी ह्यूमन के मुकाबले दुनिया में सबसे फास्ट हो गए हैं। और यहीं पे ये सब खत्म नहीं होता है। गैरिक किसी भी ह्यूमन के मुकाबले फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी सुपर फास्ट हो जाता है, यानी कि अब वो सोच भी फास्ट सकता है और उस सोच पे फास्ट रिएक्ट भी कर सकता है। गैरिक अपने डॉक्टर से खुफिया जानने के बाद थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल से चला जाता है और हॉस्पिटल से जाने के बाद वो सीधे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आता है। घर में तो है नहीं माँ बाप, हाँ इस कॉमिक में उसकी गर्लफ्रेंड है और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम जॉन विलियम्स है। अपनी गर्लफ्रेंड को सारी बात बताने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसे सजेशन देती है कि अगर तुम इतने ही फास्ट हो गए हो तो अपने हमारी स्कूल फुटबॉल टीम को जिता क्यों नहीं देते। और आगे कॉमिक में चलते चलते अपनी फुटबॉल टीम को जिताने के बाद गैरिक अपने स्कूल का स्टार बन जाता है। गैरिक अपनी जीत की सक्सेस पार्टी सेलिब्रेट करने के दौरान उसकी गर्लफ्रेंड यानी जोन्स पे जानलेवा हमला होता है और हिंदी फिल्मों के हीरो की तरह गैरिक गर्लफ्रेंड को बचा लेता है। अब बात यह आती है कि उस पर हमला क्यों होता है। दरअसल कहानी कुछ इस तरीके से है कि जोन के फादर को किडनैप कर लिया जाता है एटॉमिक बेस्ड रिसर्च सेंटर के सीक्रेट लोकेशन के लिए, जो कि वो नहीं बताता है, इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड पे असैसिनेशन हमला करवाते हैं। और ये तो कॉमिक बुक का हीरो है, नॉर्मल कपड़े में तो जाएगा नहीं, इसलिए उसने अपनी फुटबॉल टीम के यूनिफॉर्म में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स लगा दिए। जैसे उसने अपने डैड के वर्ल्ड वॉर 1 का हेलमेट पहन लिया और अपने डैड के हेलमेट पे थॉर और कैप्टन अमेरिका की तरह विंग्स लगा दिए। कुछ देर बाद उसे किडनैपर्स के गैंग का नाम पता चला। उसके गैंग का नाम था फॉल्टलेस 4। फिर गैंग के ठिकाने का पता लगाने के बाद गैरिक ने जोन के फादर को सक्सेसफुली बचा लिया और गैंग को पहले ही अटेम्प्ट में मार दिया, सीधे पहले ही अटेम्प्ट में। लेकिन बाकी हीरोज की तरह गोल्डन एज फ्लैश अपने फेस को कवर नहीं करता था, जो कि उस समय बहुत ही ट्रेंडिंग था। और बाकी कॉमिक्स में आगे चलते रहते फ्लैश अपनी पावर्स की वजह से वो वर्ल्ड वॉर 2 का हीरो भी बन जाता है। और वॉर खत्म होने के बाद गैरिक ने जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका की भी खोज की। अपनी लाइफ में काफ़ी सक्सेस लेने के बाद अपने हाई स्कूल लव यानी जॉन विलियम्स से शादी कर ली। बाकी के कई सालों के बाद डीसी ने कॉमिक रीडर्स के लिए सेकंड फ्लैश को इंट्रोड्यूस किया और इस न्यू फ्लैश का नाम बैरी एलन रख दिया। बैरी एलन की कॉमिक 1960s में आई थी।
इस कॉमिक की कहानी एक पुलिस साइंटिस्ट की है जो अपने काम में बहुत स्लो रहता है। जे गैरिक की तरह ये भी एक केमिकल साइंटिस्ट है और इनके साथ भी लैब में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है जिन्हें ये शक्तियाँ प्रदान होती है। इस कॉमिक की इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्लैश कॉमिक नंबर 1 इस कॉमिक के अंदर है, यानी कि कॉमिक के अंदर एक और कॉमिक, और अर्थ 1 में अर्थ 2 की कॉमिक प्रिंट होती है और बैरी एलन अर्थ 1 से बिलोंग करता है। जैसे कि अर्थ 1 का डायमेंशन है, बैरी एलन ने जे गैरिक की कॉमिक पढ़ी है और बैरी एलन जे गैरिक की तरह सुपर फास्ट बनना चाहता है। फ्लैश बैरी से तब मिल पाता है जब वो उन दोनों अर्थ की डायमेंशन के बीच की फ्रिक्वेंसी से छेड़छाड़ करता है और उन दोनों की फ्रिक्वेंसी के बीच में उसे कीस्टोन सिटी दिखाई देती है और वो दोनों फ्लैश मिल के 3 विलन से सिटी को बचाते हैं और वो 3 विलन रहते हैं फिडलर, शेड और थिंकर। इन सब के बाद गोल्डन एज फ्लैश रिटायर होने की सोचता है, लेकिन यह कहकर जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी वो ज़रूर आएगा।